ध्यान से देखिएगा, ये आपको नीचे बूंद गिर रही है ना, ये देखिए पानी अंदर जा रहा है। अब देखिए ये देख रहे हैं, ये पानी अंदर आ रहा है, यहाँ से थ्रू होके अंदर आ रहा है। तो चलिए आज हम इसी को ठीक करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो लीकेज है ये आराम से आप ठीक कर सकते हो। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी था, बट इसके पीछे का रीजन जान जाइए। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं नॉर्मल सी बात है, पर आप जब इसका रीजन जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तब आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहली बात, अगर आपके पीछे से लीकेज है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बुलेरो में कि इसमें धूल बहुत अंदर भर जाती है। आप कहीं पे भी गाड़ी जाए, आप दूसरे दिन आके देखेंगे कि धूल कैसे आ गई। दूसरा रीजन, पानी जाता है, पानी जाता है तो जंग खाती है गाड़ी, और जो कि उससे भी बड़ा रीजन है कि चलो हम साफ भी कर सकते हैं, पर जंग तो आपको कटवा के ही साफ करनी पड़ेगी। एक बार आपकी गाड़ी में जंग लगा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तीसरा रीजन होता है कि आप अगर एसी चलाते हैं तो आपकी प्रॉपर गाड़ी में कूलिंग नहीं आती, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बुलेरो पूरी तरीके से एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं होती। उससे पहले आप इसका रीजन समझो, कैसे इसे डिटेक्ट करना है और कैसे जानना है वो अच्छे तरीके से आप जानिए। डिटेक्ट कहाँ से होगा कि ये पानी कहाँ कहाँ से जा रहा है? ये हमारी गाड़ी के अंदर धूल और पानी ना आए गेट से, तो उसके लिए आपको रबर सील दी जाती है। इस रबर सील का क्या काम होता है कि जैसे ही आपका गेट इस पे चिपके तो ये देखिए ये फ्लैट हो जाती है। वैसे जनरली ये गोल होती है, पर ये निशानी आपको बताती है कि दरअसल आपका गेट आपकी बीट से चिपक रहा है। वहीं पे अगर आप ध्यान से देखिए, कहीं पे ज्यादा चिपकता है, कहीं पे कम चिपकता है, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा चिपकता है। वहीं पे अगर आप इसकी देखेंगे बात, तो ये देखिए प्रॉपर गोल है, जैसे इसमें गेट चिपक ही नहीं रहा है, और जब नहीं चिपक रहा है तो वही आपका पानी और धूल आ रहा है। तो आप इन सबको डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, गैप है। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को हर जगह पे ये फ्लैट मिल रही है, फ्लैट मिल रही है। यहाँ पे मेरे को हल्का सा गोल मिला है, ये तो भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी कम काम कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है, और यहाँ पे वहीं पे इधर साइड की बात करें तो यहाँ तक तो बिल्कुल गाड़ी का चिपक ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से बिल्कुल देखिए फ्लैट दिख रही है, मतलब यहाँ पे गेट चिपक रहा है, यहाँ पे भी चिपक रहा है, यहाँ पे भी चिपक रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर, देखिए ना बिल्कुल चिपक गया, यहाँ तक ये प्रॉपर चिपक रहा है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ये प्रॉपर चिपक रहा है। इसके बाद से ये प्रॉब्लम, वो भी यहाँ तक तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक, इसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर तो पूरा ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये मैंने सेकंड हैंड, जहाँ पे भी पेंटिंग या डेंटिंग का काम होता है, ये क्या होती है, ये एक्चुअल में वही रबर बिट है जो आपकी यहाँ पे यूज की गई है, ये वही रबर बिट है, और ये आपकी सेकंड रबर बिट है, ये छोटी वाली है। ये कहाँ यूज होती है वो भी मैं दिखा दूँ। मेरी गाड़ी में यहाँ पे भी समस्या थी कि यहाँ पे पानी आता था, तो मैंने एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए एक पहले से कंपनी वाली लगी हुई, मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, तो अब यहाँ से पानी आना बिल्कुल से बंद हो गया है। इसकी मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से पूरा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, यहाँ से बिल्कुल ये चिपकना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ से मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोल है, यहाँ से बल्कि ये चिपकी हुई है, देखिए ये चिपकी हुई है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरे साइड पे गोल है, ये देखिए। इसी का हम जुगाड़ करेंगे। ये इसके लिए होता है कि जब अंदर आपको हल्का फुल्का काम करना हो, अब आपको इसे काटना पड़ेगा। तो काटना कैसे है, इसको आप मोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक छोटा, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए धारियां दिख रही हैं, ये धारियां एक्चुअल में होती हैं आपके इसके अंदर ऐसे की पट्टियां लगी होती हैं, इनके बीच में हल्का हल्का गैप होता है, तो आप वहां से इनको काट दीजिए, और फिर ये जो सिस्टम आपने यहाँ पे किया था वही की। तो यहाँ पे देखिए आपका, तो इसको आपको क्या करना है कि जो गोल साइड वाला एरिया है इसको आपको अंदर साइड पे रखना है, और ये जो आपको फंसाने वाला एरिया है, देख ये गोल साइड वाला अंदर साइड पे, फंसाने वाला एरिया इस बीट के साइड पे रहेगा, तो इसको हल्का सा दबा दीजिए जिससे और अच्छे से पकड़ में आए, और फिर इसे आप ऐसे ही इसमें फंसा दीजिए। ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ही आप इसको दबाते जाइए, ये देखिए देखिए आपका ये सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे अगर दिखे तो
तो आप फिर आप अपने हिसाब से मैनुअल इसको लगा सकते हैं। अब ये देखिए पूरी तरीके से लग चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये लग चुका है एक बराबर। अब देखिए मैं इसे बंद करता हूँ, देखिए प्रॉपर बंद हो गया है गेट। अब चलिए इसमें पानी डाल के देखते हैं कि पानी जाता है कि नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे आप बिल्कुल सूखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे पानी है तो मैं इसे हटा दूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल सूखा है, बूंद गिरेगी तो आपको समझ में आएगा, इधर भी सूखा है, इधर भी सूखा है और इधर भी सूखा है। तो चलिए सबसे पहले इसको अच्छे से बंद करते हैं, देखिए प्रॉपर बंद है। अब चलिए पानी गिराते हैं, ये बॉटल और मैं ये पानी गिराता हूँ। तो ये देखिए अभी तक आपको यहाँ पे एक भी बूंद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पानी है। तो यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल भी पानी नहीं आया। तो चलिए अंदर भी देखते हैं कि पानी गया है कि नहीं। तो ये अभी मैंने खोला है तब निकला है यहाँ से, ये तो यहाँ से देखिए अगर वो जो धार थी ना वो बिल्कुल नहीं है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए, क्योंकि मैंने यहीं पे प्रेशर डाला था तो यहाँ पे पानी यहाँ पे भरा हुआ था वो गिरा है, और उस पे भी जब मैंने खोला है तो यहाँ पे नहीं, तो जनरली पानी यहाँ से टपकता है इसके नीचे से, इससे पानी गिरता है जब आपने देखा होगा। तो ये देखिए तुरंत तुरंत से निकाला, कुछ देर बाद निकालता तो जरूर नहीं होता। ये देखिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और यहाँ से अब ना नल जाएगी ना पानी जाएगा। तो यहाँ से इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इसका आपको मेंटेनेंस जरूर करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेंटेनेंस कैसे क्या करना है कि आपको बार बार इसे खोल के देखते रहना है, नहीं तो ये यहीं से जंग पकड़ लेगी आपकी गाड़ी। तो अभी तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, और हाँ मेरा तो यहाँ पे दबा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे डस्ट प्रूफ के लिए यहाँ पे भी आपकी ऐसी ही बिड़ आती है जो कि यहाँ पे चिपक जाती है, तो आप ये छोटी वाली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस चिपका देनी है और आपका ये काम हो जाएगा। और मान लीजिए आपको यहाँ कहीं से भी प्रॉब्लम आती है कि पानी आता है, तो आप इनको छोटी वाली भी चिपका सकते हैं, पर वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। देखा आपने, ऐसे ही आप कर सकते हैं। ये मेरे को बहुत दिन बाद याद आया, मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में कई बार चर्चा की थी कि यहाँ पे चिपकाने वाला मिल जाए तो हम लगा देंगे, बट मैंने एक दिन ऐसे ही इसे निकाला, मैंने देखा कि मैं लगाऊंगा तो आता है कि नहीं आता, मैंने देखा कि यार ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जनरली क्या करते हैं लोग, ये जो गोल वाला एरिया है इसे काट के निकाल देते हैं, ये सिर्फ आपका वायर वाला हिस्सा जो चिपकता है, आप ध्यान से देखेंगे ये सिर्फ यही बस लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा 100 पीस में आ जाता है, ये उतना अच्छा प्रोटेक्ट आपकी गाड़ी को करता नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भैया अगर ऐसे लगा देंगे तो जहाँ पे गेट टाइट है तो वहां पे प्रॉपर बंद नहीं होगा, तो ये चीज मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आपका गेट प्रॉपर टच नहीं हो रहा है वहां पे तो ये प्रॉपर करेगा, मतलब आपको ऐसी कोई गेट बंद करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं पे जहाँ पे आपका गेट प्रॉपर बंद हो रहा है वहां पे ये लगाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी कि आप गेट बंद करोगे आपका हाफ ही गेट बंद होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप चेक करिए, ये छोटी वाली है, ये आप यहाँ से इसे चिपका सकते हैं और चिपका दीजिए उसमें, तो आपको पानी से धूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपके पूरा बिट गेट में नहीं चिपक रहा है तो फिर आप ये चारों तरफ लगा सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, देखिए खूबसूरती उतना ही रखिएगा, मेन आपका पानी और धूल ना जाए। तो अगर आपको कहीं ये लगे कि नहीं यहाँ पे ज्यादा चिपक रहा है यहाँ पे नहीं चिपक रहा है, तो आप इसे काट के लगा दे, उस पर ना जाइए कि जंग ना खाना चाहिए। मेन क्या है ऊपर, नीचे तो वो चल भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा बहुत पास भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप पूरी बिट लगा सकते हैं चारों तरफ, तो आपका बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, तो आपके में पानी आएगा ना तो आपके में एयर जाएगी और पूरी गाड़ी पैक हो जाएगी, एयर टाइट हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही तक था, कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।